इतना दिन मेरे चैनल पे काफ़ी आप वीडियो देखे होंगे, बट आज का वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में पूरी हम आपको ट्यूटोरियल बताएंगे कैन मास्टर के बारे में, यानी कैन मास्टर से आप वीडियो को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, वो भी डेस्कटॉप नहीं बल्कि आप एक अपने छोटे से मोबाइल से, यानी जिससे आप कॉल करते हो, जिससे बात करते हो, उनसे आप अच्छी तरह से वीडियो को किस तरह से एडिट कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करेंगे वो भी कैन मास्टर के बारे में। काफ़ी लोगों का कमेंट ये रहता है कि भाई मेरे पास कैन मास्टर तो है, मेरे पास एक फ़ोन भी है, बट उसमें हमें किस तरह से कैन मास्टर से वीडियो को एडिट करना चाहिए मुझे वो अच्छी तरीके से नहीं पता है। लेकिन आज तुम्हारा भाई फाइनली पूरी ट्यूटोरियल बताएगा कैन मास्टर से वीडियो को आप किस तरह से एडिट कर सकते हो। और इस वीडियो को आप देख लेते हो तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे कि कैन मास्टर से वीडियो को किस तरह से एडिट किया जाता है। सारा एक्सप्लेन करेंगे, सारे सेटिंग के बारे में बात करेंगे कैन मास्टर के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पे हम अपने कैन मास्टर को ओपन कर लिया, और जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किस रेशियो में वीडियो बनाते हैं। देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे रेगुलेशन समझा देता हूँ। 6:9 जो रेशियो हमारे यूट्यूब के लिए होते हैं, और 9:6 यूट्यूब शॉर्ट के लिए होते हैं, और 1:1 हमारे फेसबुक पेजेस के लिए होते हैं। तो अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो 6:9 रेशियो सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका प्रोजेक्ट खुल के रेडी हो चुका है। अब चाहे यहाँ पे जो भी फोटो चाहे जो भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए हम एक आपको वीडियो को एडिट करके बताते हैं कि किस तरह से आप कैन मास्टर से वीडियो में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम एक वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, और देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया हूँ तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ चुका है। हम बात करते हैं कैन मास्टर के कुछ सेटिंग के बारे में। यहाँ पे जैसे ही आप लेफ्ट हैंड में सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैन मास्टर का ये सिस्टम है आपके कैन मास्टर में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के फ़ोन में इस तरह से इनेबल होते हैं, तो अगर आपके फ़ोन में ये इनेबल होते हैं आपके कैन मास्टर में, तो आपका जो आवाज़ लास्ट में आपको बंद हो जाता है, ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले ही। लेकिन अगर आप इन्हें स्टॉप करके रखेंगे तो आपका जो कैन मास्टर में लास्ट वीडियो का एंड होने का पार्ट है वो आपका डाउन नहीं होगा। अब बात करते हैं लेयर के बारे में। लेयर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इफेक्ट आ जाता है, मीडिया आ जाता है, स्टिकर आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है। तो अगर आप मीडिया पर क्लिक करके कोई इमेज आप दर्शाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कोई सा भी इमेज यहाँ से आप दर्शा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो कोई सा भी मीडिया पर क्लिक करके अब वीडियो आपका चलता रहेगा, जैसे कि मेरा ये पिक्चर है, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको ऐसे करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, इसे फुल स्क्रीन में भी लगा सकते हो, जैसे कि आप बोलते रहोगे और आपका जो है वीडियो यहाँ पे चलता रहेगा। तो कुछ यहाँ पे जो एनिमेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हो लेफ्ट हैंड करके, राइट हैंड करके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट वीडियो बनता है। और यहाँ पर आपको हम बता ही देते हैं, यहाँ पर जैसे ही अगर आप ये ओवरले पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब वीडियो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा और भी लुक गजब का ला लेते हैं। तो ये आप अपने वीडियो में यूज करके देखना, डेफिनेटली आपका वीडियो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में बनेगा। बट यहां से हम इसको डिलीट करते हैं। लेयर में जैसे आप और भी बहुत सारे लेयर में ऑप्शन है। लेयर के बाद दोस्तों कोई भी चीज़ आप ब्लर करना चाहते हो, जैसे कि आप वीडियो बनाए हो कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और उसमें आपका कोई पर्सनली पार्ट दिख रहा है, तो उसे आप ब्लर करना चाहते हो, तो लेयर पर जाके यहाँ पे बेसिक इनफैक्ट पे जाकर यहाँ पे आप कुछ भी पार्ट को ब्लर कर सकते हो, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस पार्ट से अगर आप ब्लर कर देते हो डेफिनेटली है कि आपका जो वीडियो मतलब आपका पर्सनल पार्ट वो नहीं दिखेगा और ब्लर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से लेयर में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, ठीक हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस्ट एडिटिंग लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे फोंटो भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, आप इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हम बताएंगे वीडियो के आगे में, तो आप वीडियो को देखते रहे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ सकता है। इसमें आप चाहे तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इनेबल करके और फुली जो कलर रखना चाहते हैं बैकग्राउंड में इसको आपको पूरे बढ़ा देना है। आप देखिए कितना गजब का ये लोकेशन है। और इस तरह से आप करते तो कोई भी पार्ट को आप आराम से यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है, वीडियो आपका चलता रहेगा, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग यूज करते हैं अपने वीडियो में। आई होप अगर आप नहीं यूज करते हैं तो इसको यूज करना, आपका वीडियो का पार्ट बहुत ही बेस्ट आएगा। अब फाइनली हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई सा पार्ट जो है मेरा वीडियो एडिटिंग का यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक है मैंने स्टार्टिंग से ही, तो आप इसे कट करना है कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जहाँ से आपका पार्ट मतलब गलत लग रहा है आपको, उस पर यहाँ पे ये आप जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पर आपको ले जाना है यहाँ से।
जैसे कि मेरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है तो इस पर क्लिक करना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंची है, ठीक है, थ्रीम पे क्लिक करके अब इसको पहले आपको क्या करना है, अगर आपका ये पार्ट, अगर आपका ये लेफ्ट हैंड का अगर गलत है तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीछा वाला भाग यहाँ से कट जाएगा। अगर हमारा पार्ट आगा से कहीं बीच में, मतलब आगे से राइट हैंड में गलत है तो यहाँ पे राइट पे क्लिक कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि बीच में, मतलब यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, बीच में कोई ऐसा पार्ट है तो इस पर क्लिक करना है, और इस पर आपको क्या करना है, स्पीड यानी थ्री वाला पे क्लिक कर, अब ये यहाँ से यहाँ पार्ट गलत है तो यहाँ से आप क्या करके यहाँ कर देंगे, एंड यहाँ से क्लिक करके यहाँ डिलीट कर देंगे। तो ये जो है हमारा पार्ट गलत वाला डिलीट हो, कोई पार्ट डिलीट करने के बाद आपको लगता है कि वीडियो में, मतलब पता चल रहा है कि मैंने इस पार्ट को डिलीट कर दिया, प्लस के आइकन पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन इफेक्ट किस तरह से लगा सकते हो, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीका से मेरा वीडियो का जो है एनिमेशन लग सकता है, ट्रांजैक्शनाइजेशन देख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एडवर्स को पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो एडिटिंग में यहाँ पर मिस्टेक है, या कोई पॉइंट को यानी आपको दर्शाया, रुक के आप बोलते हो, तो ऐसे एनिमेशन अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका वीडियो का क्वालिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूज करना, अब देखिए बहुत सारे बंदे को नहीं पता है कि एनिमेशन हम कैसे डाउनलोड करें, तो यहां पे क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको गेट मोर पे क्लिक करके यहां पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में पहले नेट होना चाहिए, इसके बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे शो करेगा एनिमेशन, ठीक है, ट्रांजैक्शन इन इफेक्ट, अब सारा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हैं सारा इनेबल हो चुका है, ठीक है, ओपन हो चुका है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एक पार्टिकुलर वीडियो इस पर हम बना देंगे कि कैनमास्टर में ट्रांजैक्शन इफेक्ट कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी लोगों का कैन मास्टर में ये चीज़ इनेबल नहीं रहता है, तो आप देखिए ये जो है हमारा पार्ट ये सारा सही हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम आपको लेयर पे क्लिक करके और भी बहुत सारे जानकारी बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो कोई सा भी पार्ट को आप इस तरह से देखिए, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप कोई पार्ट को, कोई माइंड पार्ट को दिखाना चाहते हो तो यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। इसका कलर जो है आप रेड भी रख सकते हो, वाइट भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, इसको आप चाहते हो तो और भी मोटा कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये कर दोगे, एंड इसके बाद इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा कोई लेयर पे क्लिक करके और दूसरा हम इफेक्ट यहाँ से लेते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि ये थोड़ा अच्छे लुक में है तो इस पर क्लिक करना है, एंड इसका कलर अगर आप हो सके तो कम बेसी भी कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, बट आपको पूरे फुल्ली रखना है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इफेक्ट लगाना है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, ठीक है। ये तो हमारा स्टार्टिंग का, इसे आप जाते टाइम में आप इसे यूज कर सकते हो, एंड लेफ्ट कर देना है आपको इस प्रकार से, तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम आवाज़ को यहाँ से म्यूट कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, और जब भी आप कोई चीज़ को इस तरह से यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और इसके बाद इस पार्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक करके बहुत सारे आप ग्राफिक लगा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ज़्यादा कल मैं अपने वीडियो में ये यूज़ करता हूँ जो काफ़ी शानदार रहता है, कोई माइंड पॉइंट रहता है तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट बोलते हैं या कोई दिखाना चाहता है तो यहाँ से हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कैन मास्टर, एंड यहाँ पे जैसे ही हम पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं एंड करते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा शानदार में आ जाता है, और यहाँ से काफ़ी गजब लगता है, एंड गजब लगता है, बहुत सारे मस्त लगता है। और यहाँ पे हम कुछ इफेक्ट डाउनलोड किए हुए हैं अपने आइडियो में, यहाँ से यूज करते हैं ये साउंड इफेक्ट, ये देख सकते हैं, और जब भी ये ब्लर कर एनिमेशन आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में बन पाता है। उसके बाद बात आता है कि रिकॉर्डिंग पे आप देख सकते हो, तो कोई पार्ट आप चाहते हो कि इसमें हम बोल के अपना रिकॉर्डिंग करें तो यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बाद स्टॉप करना है, एंड इस पर आप सुन भी सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा कैन मास्टर का रिकॉर्डिंग है, बट इसको हम यहाँ से म्यूट कर देते हैं एंड आवाज़ को म्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा सारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, एंड इसमें कोई सारा प्रॉब्लम नहीं है। सारे कुछ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ क्वालिटी दिया हुआ है जो काफ़ी लोग इसको मतलब नॉर्मल क्वालिटी में इस वीडियो को अपलोड करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हाई क्वालिटी में करना है। आपको किस प्रकार से करना है, देखिए जब भी आप वीडियो को एक्सपोर्ट करें तो यहाँ पे 7 से 20 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड इसको आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, अपने अनुसार इसको ट्राई कर सकते हो, जिससे आप यहाँ पे देख सकते जैसे बढ़ाएंगे तो नीचे में MB शो होता जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम FHD में करते हैं 1000
80 MB में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कितने GB यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, सारे यहाँ पे MB शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको करके पूरे HD में करने के बाद एंड यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं और सारा चीज़ आप यूज करके और इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके और यूट्यूब पर अपलोड करके तहलका मचा दे सकते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसे कि मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन था जितना मैं अपने वीडियो में इफेक्ट जो भी चीज़ यूज़ करता हूँ, काइन मास्टर से वीडियो को एडिट करता हूँ, सारा परमाश सारा ट्यूटोरियल मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, सारा जानकारी दे दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी अभी तक देख रहे हैं ना और देख चुके हो पूरी काइन मास्टर से किस तरह से मैंने वीडियो को एडिट किया हो, तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ कि ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे कि आखिर काइन मास्टर से वीडियो को किस तरह से एडिट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको इसी तरह से कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना।